संडे का दिन आ चुका है और आज आपको लेके चलते हैं एक नई जगह पे। हर संडे को सैटरडे को वही एक जगह कॉफी पीते हैं जाके, तो सोचा आज कुछ नया करते हैं। तो लेट्स गो समवेयर विच इज डिफरेंट एंड मैं भी पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या नया होता है और आपको दिखाते हैं। और एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि मंडे टू फ्राइडे नींद क्यों नहीं खुलती है सुबह, और सैटरडे संडे को क्यों नींद इतनी जल्दी खुल जाती है, क्या बताएं। मतलब कुछ होगा लॉजिक इसका भी, कभी समझ आ जाएगा, लेकिन जब ऑफिस जाना होता है ना लगता है कि भाई सोते रहो। इनकी भी क्या लाइफ है, दिन भर ये हवा में उड़ते हैं, इंजॉय करते हैं, फ्रीडम इनके पास कुछ भी करने की, और हम देखो। तो ये है लेपर्ड ट्रेल वाला रास्ता एंड यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं एंड ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द माउंटेन। तो आज यहाँ चल रहे हैं एंड यहाँ देखते हैं क्या होता है। काफी सारे बाइकर्स भी यहाँ पे आते हैं एवरी मॉर्निंग टू गो टू द कैफे एंड चिल आउट, सो काफी अच्छा सीन रहता है यहाँ का। एंड एंजॉय करो आप, देखो। लेपर्ड ट्रेल वाला रास्ता है ये, जिन जिनको नहीं पता है वो दिस इज इन साउथ ऑफ गुड़गांव एंड अभी रिसेंटली ये काफी उसमें आया हुआ है प्रचलन में, जहाँ पे काफी सारे लोग तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ पे एंड दे स्पेंड देयर मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स यहाँ पे। बहुत सारे कैफेज हैं यहाँ पे एंड अभी चल के देखते हैं क्या होता है आगे। मैं आई थिंक सेकेंड टाइम आ रहा हूँ एंड बट ये काफी अच्छी जगह है। जंगल कैफे, और यहां पे बच्चे ऊपर जाते हैं एंड वहां से रोल होके नीचे आते हैं। वाओ, and see these great dogs. मॉर्निंग सॉर्टेड, अभी घर चलते हैं, हैव सम ब्रेकफास्ट
उसके बाद प्लान करते हैं कि आज क्या और करना है, बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी और करनी है, बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारा एक छोटा सा ट्रिप है एंड उसके बारे में प्लान करना है। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी 11 बज चुका है एंड मुझे बोला गया कि भाई क्या कहते हैं अपना, क्या हो रहा है, कि कुछ ग्रॉसरीज लानी है घर की, लाइक होता है ना वो परचून की दुकान जाना होता है, कुछ कुछ लेके आना होता है। तो अभी वहाँ चलते हैं अपनी ग्रॉसरी की दुकान है, वहाँ से कुछ कुछ सामान जो बोला हुआ है वो उठाते हैं। तो देखते हैं उसके बाद क्या ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, क्योंकि सारे ऑर्डर्स पूरे करने पड़ते हैं पूरे हफ्ते भर, घर पे भी ऑफिस में भी। सो बस चल रहा है एंड दिखाते हैं आपको। तो जी आ गए हैं अपनी ग्रॉसरी की शॉप पे मॉडर्न बाज़ार, यहाँ पे सामान लेते हैं जो जो चाहिए एंड उसके बाद। बट आई डोंट लाइक कमिंग हियर यार, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे भी, जाम लग जाता है, नॉट टू गुड, बट देन मजबूरी है, करना पड़ता है। चलो जी लेट्स गो इनसाइड एंड बाय द स्टफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? M&M's। चलो लेट्स गो एक बार फर्स्ट फ्लोर पे एंड फर्स्ट। यार ये क्या क्या खर्चे करवा रही है लड़की, एक तो उसमें इतना मीठा ऊपर से इतना। एनीवेज दीस टीटोस पफ्स, वाह सॉस क्या था वो, ये रखा है यहाँ पे भी, बस मार्च मीन्स गार्लिक पेस्ट। लेट्स गो टू द मीट एंड सी फूड सेक्शन और देखते हैं यहाँ पे क्या होएगा। वाओ फ्रेंच फार्म ये वाला, इसको आप पीस करके दोगे ना? दो करना? नहीं नहीं कंप्लीट। अभी आ रखे हैं बानी स्क्वायर में, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक जीन्स लेनी है किसी से, तो वो उठाते हैं उसके बाद चलते हैं घर। ये है सुनसान सा बानी स्क्वायर का मार्केट जहाँ से चलता है पंजाब का तड़का, ऐसी है ना। और ये है अम्बरसर या चौक, यहाँ शिफ्ट हो रहा है आई थिंक, यहाँ सिटिंग करेंगे। पहले आई थिंक ये टेक अवे था, देन वी हैव ऑल दी स्टफ, हैशटैग फूड्स, यंकीज बर्गर एंड कंपनी, बर्गर पिज़्ज़ा, ऑल दैट स्टफ। तो बस यही है बानी स्क्वायर। सैंडबर्ग शेक्स का शेक इज सुपर्ब, कभी कोई यहाँ पे आए तो दे कैन ट्राई द शेक सैंडबर्ग का। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हम आपसे मिलते हैं कल एक फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए peace।